जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस जिसके ऊपर मैं लगातार टॉपिक डिस्कस करता रहता हूँ, और इस इंटरनेशनल रिलेशंस के अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग एथिक्स, वैल्यूज़ जो भी हैं, उन सब के ऊपर मैं लगातार आपके साथ डिस्कशन करता रहता हूँ। आज के दिन जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में एक इंटरनेशनल लेवल पर टसल चल रहा है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ गुटबंदी करने में जुटे हुए हैं, उससे अगर देख के लगता है कि खुले तौर पर पूरी दुनिया जो है एक बार फिर से दो गुटों में बट चुकी है, या बट कम से कम बटी नहीं है तो बटती जा रही है। अब इसमें कौन किस तरफ होगा और किस देश को अपनी तरफ, हर देश को अपनी तरफ मिलाकर अपने ग्रुप को बड़े से बड़ा बनाने की जो कवायद चल रही है, आने वाले समय में उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी कुछ देश जिसमें पाकिस्तान है, उसकी कलई खुलती जा रही है और अमेरिका को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, और डिटेल्ड एनालिसिस है कि असलियत में पाकिस्तान ने किस तरीके से, किस बिहाफ पर अमेरिका को ठेंगा दिखाया, चाइना से उसको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होने वाला है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पर भारत के लिए क्या बन रही है। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द सही टाइम पर मिल सकें। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान ने अमेरिका को कुछ ठेंगा दिखाया, लेकिन असलियत में उससे पहले अगर आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर आप इन इंटरनेशनल रिलेशंस को मोटे तौर पर देखोगे, इन इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर मोटे तौर पर देखोगे तो आपको साफ तौर पर यहां पर नजर आएगा कि एक तरफ यहां पर हर देश की अपनी एक इंटेंशन होती है, एक मंशा होती है, और उस इंटेंशन के पीछे उस देश के अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए उसके अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनके बिहाफ पर उसके अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनके बिहाफ पर वो अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं, और उस प्रोपेगेंडा के थ्रू वो अपनी सारी की सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। प्रोपेगेंडा, अब ये प्रोपेगेंडा अलग अलग तरीके का हो सकता है। चाइना अलग तरीके का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करता है, अमेरिका अलग तरीके का इस्तेमाल करता है, और दुनिया में हर देश, जो भी शक्तिशाली देश है, वो दुनिया के हर दूसरे छोटे देश के अंदर या कमज़ोर देश के अंदर जाकर अपनी लॉ अपनी इथिक्स और इंटीग्रिटी को, इंटेंशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए लोगों को ये बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। जैसे अगर एंशियंट पीरियड में देखें तो उनका इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को देखा जाए, जब ब्रिटिशों ने पूरी दुनिया पर राज किया तो वो ये कहते थे कि असलियत में हम जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस प्रोपेगेंडा के थ्रू आए हैं, या हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वाइट मेंस बर्डनशिप। इस वाइट मेंस बर्डनशिप का मतलब ये है कि गोरे लोगों की सरदर्दी है टू सिविलाइज द अनसिविलाइज्ड। इस दुनिया के जितने भी असभ्य लोग हैं उन सबको सभ्य बनाया जाए, यानी हिंदुस्तान से लेकर, जहां हड़प्पा सभ्यता से लेकर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस बनकर उभरी, उनसे लेकर इजिप्ट से लेकर, जहां पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन उभरी, से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों को गुलाम बनाकर उनके ऊपर शासन करना, उनके ऊपर रूल करना, और बार बार ये कहना कि ये हम लोगों की सरदर्दी है, ये इनका प्रोपेगेंडा था कि ये हम लोगों की सरदर्दी है कि जो आप अनसिविलाइज्ड हो वो सिविलाइज बने। और उसके साथ साथ उसके पीछे का एक इंस्ट्रूमेंट था स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म को फैलाने का इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ज़्यादा मायने रखता था। ईसाई धर्म को फैलाने का इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ज़्यादा मायने रखता था यहाँ पर,
यानी ये दुनिया के अंदर ईसाई धर्म के प्रचार के नाम पर जाते, लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताते, उनको उस धर्म के मामले में, जाति के मामले में, क्षेत्र के मामले में, भाषा के मामले में उलझाते, और उनकी इंटेंशंस क्या होती, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट कंट्री, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट कंट्री, उस देश के आर्थिक शोषण, उस देश के आर्थिक मतलब जो भी संसाधन हैं, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उन सब का एक्सप्लॉयट करना, उन सब का शोषण करना, उन सब का दोहन करना, वहाँ की सारी प्रॉपर्टी को लूट कर अपने देश में ले जाना। यानी शॉर्ट में ब्रिटिश इंटेंशन क्या होती थी, सिर्फ और सिर्फ लूट। लेकिन उस लूट को जिस यूं कहें कि प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा के थ्रू आगे बढ़ाते थे, वो था वाइट मेंस बर्डनशिप, कि भैया हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, हमारी बात मान जाओ, हम तुम्हारे भले के लिए आए हैं। यानी वो भले का चोगा ओढ़कर हमें लगभग लगभग 200 साल तक लूटते रहे, और हमें क्यों, दुनिया के ज़्यादातर देशों को इन्होंने लूटा ही है, और बहुत बुरे तरीके से लूटा है। अब ऐसे हालात में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन हो जाता है या वर्ल्ड वॉर टू होता है, वन और टू में सिचुएशंस अलग अलग थी, लेकिन 1945 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर असलियत में दो, यहाँ पर एकदम से कोल्ड वॉर शुरू होता है, और इस कोल्ड वॉर के अंदर अगर आप मोटे तौर पर देखें तो पूरी दुनिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक वो जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं और दूसरे वो जो कम्युनलिज्म को सपोर्ट करते थे, कम्युनिस्ट थे और सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। इस पूरी पार्ट को समझिए कि दुनिया में प्रोपेगेंडा वॉर कैसे फैलाया जाता है और कैसे अपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू इंटेंशंस को आगे बढ़ाया जाता है, दुनिया के अंदर दुनिया के देशों के सामने जाकर उनका साथ कैसे प्राप्त किया जाता है या लिया जाता है। इस दुनिया में कैपिटलिज्म जो है वो हमेशा बात करेगा फ्रीडम की, कि हमारे को चाहिए आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, फ्रीडम टू डू बिजनेस यानी काम करने की आज़ादी, फ्रीडम टू लिव यानी जीने की आज़ादी, और फ्रीडम टू थिंक यानी सोचने की आज़ादी। और इन सब के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आगे बढ़ाई जाती है, कि जो सरकार की बात आगे बढ़ाई जाती है, वो होती है डेमोक्रेसी, वो होती है डेमोक्रेसी, कि भाई हम इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र को समर्थन देंगे, और जितना ज़्यादा लोकतंत्र होगा हर इंसान को उतनी ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, बोलने की, काम करने की, रहने की, सोचने की, हर तरीके की, फ्रीडम टू स्पीच या फ्रीडम। लेकिन वहीं अगर आप सोशलिज्म यानी साम्यवाद को देखते हैं तो सोशलिज्म कहता है फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी, समानता। और यहां पर ये कहते हैं कि सिर्फ टू क्लास सोसाइटी है, सिर्फ दो क्लास की सोसाइटी है, एक जो है वो हैव्स हैं यानी जिनके पास हैं, और दूसरे वो हैं जो हैव नॉट्स हैं यानी जिनके पास नहीं है, एक वो लोग जिनके पास है और दूसरे वो लोग जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो चालाक हैं, वो बेईमान हैं, वो कहेंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की सरकार के अंदर वोट तो गरीब आदमी देता है लेकिन जो मनी है, नोट जो है, वो पैसे आला आदमी दे देता है और सरकार उसके अनुसार चलती है, इसलिए डेमोक्रेसी एक ढपोसला है, एक बेवकूफ़ी है, बेईमानी है। यहाँ पर जो सरकार है वो असलियत में फॉर अ क्लास, सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है, दूसरे किसी काम के लिए काम नहीं कर, कुछ किसी के लिए काम नहीं करती। गरीब का डेमोक्रेसी में कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ वो बेवकूफ़ बनता है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि इन हैव्स, जिनके पास है उनसे छीन कर हैव नॉट्स यानी गरीब लोगों में बांट दो।
अब हैव्स से छीनकर हैव नॉट्स में बांटोगे तो यहां पर डेमोक्रेसी इस हैव्स को हैव्स यानी जिनके पास है उनसे जिनके पास नहीं है उनको देने का काम लोकतंत्र नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारे को एक स्पेशल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, आपको एक स्पेशल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए यानी सरकार का एक विशिष्ट स्वरूप चाहिए और वो स्पेशल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कोई नहीं, वो स्पेशल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कोई नहीं बल्कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो गरीबों से निकलकर बनी है और इस गरीबों से निकलकर बनने वाली सरकार का काम ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है यानी संसाधनों का समान वितरण है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है यानी संसाधनों का समान वितरण है और अगर संसाधनों का समान वितरण है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है तो इसका मतलब ये कि अमीरों से छीनकर गरीबों को देगी या एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जो क्लासलेस सोसाइटी हो यानी वर्ग विहीन समाज हो। अब आप सोच कर देखिए क्लासलेस सोसाइटी अब कितना अच्छा लगता है कि अमीर जो है सारा पैसा खुद ले लेता है, इससे छीन कर गरीबों में बांटा जाए, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है सर। बाकी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में बहुत सारी कमियां हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट परफेक्ट है, उसे सुधारा जाए, जो भी एक्स वाई जेड बकवास सी दोनों के दोनों ग्रुप्स कर रहे होते हैं। अब असलियत में ज़्यादा से ज़्यादा हर लगभग हर देश में ये दोनों ग्रुप्स मिलेंगे, दुनिया के हर देश में ये दोनों ग्रुप्स मिलेंगे। एक गरीब की बात करेगा, साम्यवाद की बात करेगा, दूसरा अमीर की बात, दूसरा डेवलपमेंट की बात करेगा। ये हमेशा बात करेगा डेवलपमेंट की कि भैया विकास हो रहा है, पैसा आगे बढ़ रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बात करेगा इक्वालिटी की यानी सबका विकास हो रहा है, सबके पास रोटी है या नहीं है, दोनों का अपना अपना एजेंडा होता है। अब ये दो पावर्स जो कैपिटलिस्ट हैं उनमें तो आ गया अमेरिका और जो सोशलिस्ट हैं इनके अंदर आ गया यूएसएसआर, किसी टाइम पर था। अब आप सोचिए इन दोनों ने, इन दोनों हालांकि ये दोनों बड़े बड़े देश हैं, अगर आपको मैं इनको रिकॉर्ड के अंदर दिखाऊं या मैप के अंदर दिखाऊं तो रशिया अपने आप में आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है और अमेरिका जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे अमेरिका और रशिया, वास्तव में दोनों के बीच में लड़ाई, दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो पावर की है कि यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा इस दुनिया को या फिर ये रशिया जो है ये इस दुनिया को डोमिनेट करेगा। दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे होते हैं कि दुनिया को डोमिनेट कौन करेगा। बस इन दोनों ने उसे नारा दे दिया कि भैया मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडम की, ये कह रहा है मैं बात कर रहा हूँ इक्वालिटी की, ये कह रहा है मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की, और ये कह रहा है मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट ऑफ ऑल की। ये नारे दिए जाते हैं। अब आप कहोगे मैं तो पाकिस्तान अमेरिका वगैरह की बात कर रहा था, जो भी है, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है। इसमें एक दूसरे टॉपिक को भी समझाऊंगा कि अमेरिका की जो चाल है चाइना को घेरने की वो चाल कितनी कामयाब होगी वो बताऊंगा मैं अभी, लेकिन उससे पहले यहां आप समझेंगे एक तरफ डेमोक्रेसी है दूसरी तरफ फ्रीडम है। अब यहां दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यहां पर दोनों के दोनों आपस में लड़ते हैं और लगभग लगभग 45 इयर्स तक, 1946 से आप मानकर चले 1991 के आसपास तक ये कोल्ड वॉर चला और दोनों ग्रुप्स ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े से जितने भी देश थे उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और इस जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ ये पूरा सोशलिज्म का जो कंसेप्ट था वो कलैप्स कर गया, गिर गया और कैपिटलिज्म जो है वो 1991 से लेकर 2015 तक पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करते हुए अपनी विजय गाथा गा रहा था, शोर मचा रहा था। लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ समझिए कि असलियत में यहाँ पर जो कम्युनिज्म था
जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी या जो कम्युनिज्म था उसकी दो पावर्स निकल कर आई, उसकी दो पावर्स निकल कर आई थी, एक था यूएसएसआर और दूसरा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी, यानी आज का जो चाइना शी जिनपिंग वाला है। असलियत में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट निकली तो इसके अंदर यूएसएसआर जो है वो फ्लॉप हो गया था, यूएसएसआर जो है ये फ्लॉप हो गया था, ये फेल हो गया था, ये हारा था क्योंकि इसका डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। लेकिन असल और दुनिया के अंदर इसके इन्फ्लुएंस वाले जितने भी देश थे उन सब में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर चुकी थी, कम्युनिस्टों की सरकारें गिर चुकी थी, लेकिन इस दुनिया में अभी भी एक बड़ी पावर बचा हुआ था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके अंदर अभी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और ये अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे पहला सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश और तीसरा या चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज ये था। यहाँ पर इस कम्युनिस्ट चाइना की जो पीपल्स रिपब्लिक सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो कर दिए, इसने क्या किया दोस्तों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो कर दिए और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर आपको फ्रीडम टू बिजनेस दे दिया कि भाई अगर आप फ्रीडम टू बिजनेस दे दिया कि अगर आप जितना भी बिजनेस करें उतना अच्छा है, आपकी इच्छा है जितना करेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, बस जितना चाहो उतना बिजनेस करो, करते जाओ। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों यहां पर इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं किए, इन्होंने किसी भी तरीके के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं किए, इनफैक्ट मोर रिजिड सिस्टम जो था उसे डेवलप किया। यानी ये दुनिया का एक ऐसा दैत्य बनकर उभरा जिसके जो सर है वो अभी भी कम्युनिस्ट वाला है लेकिन पंजे इसके कैपिटलिस्ट वाले हैं, यानी पूंजीवाद वाले हैं। यानी ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें इकोनॉमी तो अमेरिका वाली है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और पॉलिटी है जो है वो यूएसएसआर वाली है, यानी जो उस समय की सबसे स्टेबल गवर्नमेंट्स में से एक थी। अब ऐसे में दो अलग एक ऐसी सरकार बनी या एक ऐसा ये फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म बनकर उभर कर आया, न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म बनकर उभर कर आया जिसमें आपको सोने का एक पिंजरा या यूं कहें एक तरीके की गोल्डन जेल बना दी है और इस गोल्डन जेल के अंदर हर आदमी खा रहा है, पी रहा है, खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है लेकिन बोल नहीं सकता। उसके पास अपने देश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, वो अपने देश की सरकार के खिलाफ चूंकि आवाज भी निकालेगा तो जैक मा का जो हाल हुआ उससे भी बदतर हाल हो जाएगा, क्योंकि जैक मा या फिर वो जो टेनिस प्लेयर है या फिर बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक हैं जिनको चाइना ने डुबो दिया, उन सबसे बुरी दुर्गति इनकी हो जाएगी, आम आदमी तो और बुरी तरह मरता है। यानी वहां की जनता एक ऐसे पिंजरे के अंदर मौजूद है, वहां की जनता एक ऐसे पिंजरे के अंदर मौजूद है जहां से निकलना नामुमकिन है, निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताइए यहां पर जो बाइडन, जो स्लीपी बाइडन के नाम से जाने जाते हैं या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें स्लीपी बाइडन का नाम दिया, ये जो बाइडन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए, टू काउंटर चाइना इन्होंने समिट फॉर डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी समिट बुलाया।
डेमोक्रेसी समिट बुलाया। अब ये जो डेमोक्रेसी समिट है, इसमें दुनिया के सारे डेमोक्रेटिक देशों को बुलाकर इकट्ठा एक मंच पर, हालांकि ये है तो वर्चुअल, लेकिन बुलाकर इकट्ठा किया जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है, उनको डेमोक्रेसी के मामले में इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन हालांकि इसके पीछे सारा मामला जो है वो ताइवान इशू है, और ताइवान के मामले में टू गैदर सपोर्ट, टू गैदर सपोर्ट फॉर ताइवान है कि दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्ट अप्रोच को या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, उन सबको ताइवान के लिए इकट्ठा करने का ऑब्जेक्टिव उठाया जो बाइडन ने। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ से मामला पहुँचा पाकिस्तान। अब ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान जैसे ही मामला पहुंचेगा तो पाकिस्तान को भी चिट्ठी भेजकर ये कहा गया कि भाई हम डेमोक्रेसी के ऊपर समिट कर रहे हैं, तो आप भी आकर डेमोक्रेसी के ऊपर किसी तरीके का बयान दो। अब मैं यहाँ पर जो बाइडन की बहुत ही जिसे कहते हैं बेवकूफ़ी के ऊपर या पूरे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बेवकूफ़ी के ऊपर दो रीजंस से क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्वेश्चन मार्क ओवर टू रीजंस, दो रीजंस यानी दो कारणों से मैं इसके ऊपर सवालिया निशान लगाता हूँ। और वो सवालिया निशान ये है, वो सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क ये है कि पहला, डू पाकिस्तान हैव ट्रू डेमोक्रेसी, डू पाकिस्तान हैव ट्रू डेमोक्रेसी, कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर वास्तविक लोकतंत्र को आप मानते हैं या फिर और प्रॉक्सी मिलिट्री रूल है, प्रॉक्सी मिलिट्री या आईएसआई रूल है। आप मुझे अपने आप सोच के बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंदर, मेरे को अमेरिका के ऊपर भी तो ये सवाल है ना कि क्या पाकिस्तान के अंदर सच में डेमोक्रेसी है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है, जिस देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र ही नहीं है, उस देश को अपने यहाँ पर लोकतंत्र के ऊपर बुलाते हुए क्या अब जो बाइडन प्रशासन को शर्म नहीं आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि रोल ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या, पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, क्या अमेरिका उस चीज़ को क्लियरली समझ नहीं पाया है कि हमेशा पाकिस्तान के अंदर आजकल जो स्लोगन चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्लोगन आज के दिन हामिद गुल का जो बयान है वो चल रहा है कि वी डिफीटेड अमेरिका विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, वी डिफीटेड यानी वी डिफीटेड, वी मतलब आईएसआई डिफीटेड अमेरिका विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, अमेरिका विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। जब वो ये कह रहा है कि हाँ हमने अमेरिका को अमेरिका की मदद से हराया, यानी वो अमेरिका से एक तरीके की एनिमोसिटी रखते हैं, तो क्या इस चीज़ को माना जाए और क्या अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बेवकूफ लगता है, या मुझे तो कई मामलों में लगता भी है कि वो आँख मूंदे बैठे रहते हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते कि असलियत में मामला है क्या। जब ये बात होगी, क्वेश्चन मार्क ओवर इट होगा, तो उसका अगला पॉइंट क्या होगा। तो अगला पॉइंट सबसे बड़ी बात और ये कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ पाकिस्तान, प्रॉक्सिमिटी ऑफ पाकिस्तान विद चाइना भी तो देखी जाएगी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ पाकिस्तान विद चाइना यानी चाइना के साथ भी तो पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी देखी जाएगी कि चाइना और पाकिस्तान का रोल क्या है।
लेकिन हाँ, इस चीज से ये चीज वन थिंग क्लैरिफाइड, एक चीज जो है वो पूरे तरीके से क्लैरिफाई हो चुकी है, और वो ये कि नाउ पाकिस्तान इज इन। क्योंकि हुआ क्या हुआ, ये कि जो बाइडन ने जो डेमोक्रेसी समिट बुलाया उसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया, तो मैंने दो सवाल उठाए कि क्या पाकिस्तान बुलाने लायक था। चलो आपने बुला लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान वहां आएगा, ये भी तो सवाल था। अब इस सवाल के होने या ना होने से, अच्छा एक चीज ये कि अब सवाल था, अब सवाल ये है कि भाई बुलाया जाए, आएगा नहीं आएगा। हालांकि अगर पाकिस्तान नहीं, ये क्लियर था कि अगर पाकिस्तान नहीं आता या आता है तो पाकिस्तान की इंटेंशन क्लियर हो जाएगी कि वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। अब जैसे ही वन थिंग क्लैरिफाइड कि नाउ पाकिस्तान इज इन चाइनीज कैंप, कि जो पाकिस्तान है वो चाइनीज कैंप में है, नाउ पाकिस्तान इज इन चाइनीज कैंप, के जो पाकिस्तान है वो चाइना वाले कैंप में है, वो अमेरिकन कैंप में नहीं है, और इसका मतलब ये है कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ ट्रू पार्टनर ऑफ अमेरिका इन नियर फ्यूचर, यानी करीबी समय में इंडिया जो है वो अमेरिका का करीबी दोस्त बनने जा रहा है। हालांकि इंडिया ने भी उसको आंखें दिखा रखी हैं, और दूसरी कहीं ना कहीं ये वीकनेस ऑफ अमेरिकन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, कि भैया सीधी सी बात ये है, अमेरिकन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, और सीधी सी बात ये है कि क्या अमेरिका जो पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बना कर रखता था या एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मेंटेन करके चलने की कोशिश करता था, क्या वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ यहाँ पर मौजूद है? तो आंसर है यहाँ पर किसी तरीके की अमेरिका की कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ मौजूद नहीं हुई, और पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इंटरेस्ट्स ऑफ चाइना, के अब जो पाकिस्तान है वो चाइनीज इंटरेस्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है, ये बात क्लियर हो चुकी है। यानी क्लियर वर्ड्स में जो बाइडन को दो बातों में जवाब दे दिया कि भैया अमेरिका की ऐसी तैसी, हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, और ये अमेरिका की कमजोरी है, और इसका असर जो है वो फ्यूचर में अदर कंट्रीज पर भी पड़ने वाला है, और दूसरे देशों के ऊपर भी इसका बहुत बुरा दबाव पड़ने वाला है कि असलियत में दूसरे जो देश हैं क्या वो भी अमेरिका की इस फॉरेन पॉलिसी या सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को मान पाएंगे। या अब सवाल यहां तक उठने लग गया है कि क्या सच में अमेरिका एक सुपर पावर है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोस्तों आगे आने वाला समय दुनिया के लिए बहुत बुरा है, इतना समझ लीजिए। आगे आने वाला समय अमेरिका के लिए बहुत बुरा है, इतना समझ लीजिए, बिकॉज पाकिस्तान इज मूविंग इन द माउथ ऑफ ड्रैगन। जैसे कि मैंने पीछे कार्टून के अंदर भी दिखाया है कि पाकिस्तान जो है वो ड्रैगन के मुंह में जा रहा है, और अमेरिका इसे पुचकारने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रही। अमेरिका का ये जो डेमोक्रेसी समिट वाला हथकंडा है ये ख़त्म होता जा रहा है या कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अब आगे कितना कामयाब होगा वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।